सो गाइस अभी हमारे पास एक फोन आया है जियो का, और इसके अंदर अभी दिक्कत ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिम कार्ड नहीं बता रहा है, और इसके अंदर अभी सिम कार्ड का प्रॉब्लम है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैं पासवर्ड खोलता हूँ इसका, ये देखिए यहाँ पे नो सिम कार्ड है। और इसमें इसका क्या सलूशन होगा वो जानेंगे। सबसे पहले हम मॉडल की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ये है जियो का F220B मॉडल, और इसके अंदर अभी यहाँ पे हमने एक डैम्पर लगा रखा है। हालांकि अभी इसका सलूशन पूरा प्रॉपर हमने नहीं किया है, तो आपको मैं बताया था यहाँ पे आपको क्या करना है। सबसे पहले अपने मल्टीमीटर को बजर मोड पे रख लेना है कंटिन्यूटी पे, एंड आपको रेड प्रोब को कहीं ग्राउंड में टच करा लेना है, और एक बार चेक करना बीप का साउंड आ रहा है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यू चेक करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए 5 पॉइंट दिख रहे हैं, इन 5ों पॉइंटों वैल्यू चेक करना, और साथ ही इनके अंदर भी चेक करना है। तो मैं सिम को बाहर निकाल लेता हूँ फटाफट से। ये हमारा सिम बाहर आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू चेक करना है, ये देखिए, फिर यहाँ पे चेक करना है, फिर यहाँ पे चेक करना है, और फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। तो ये ग्राउंड होता है, नील रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे लास्ट वाला जो पॉइंट रहता है ग्राउंड रहता है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू ना आए कोई दिक्कत नहीं है। बीप का साउंड भी आ सकता है, लेकिन इसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है वोल्ट, इस पॉइंट पर भी आ रहा है। टोटल 6 पॉइंट होते हैं, जिसमें से एक ग्राउंड होता है, उसके बाद वाला पॉइंट, उसके बाद वाला पॉइंट यहाँ पे लाइन से, और इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट होता है ये वाला, इस पर भी देखिए आ रहा है, इस पर भी आ रहा है, और इस पर भी आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि ये वाला जो लास्ट पॉइंट है इस पर नहीं आ रहा है, और ये सारे पॉइंट इससे मिले हुए हैं। ये फर्स्ट पॉइंट इससे है, सेकेंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये, चौथा, पाँचवा, तो एक ग्राउंड यहीं पर लग जाता है। तो मेन तो ग्राउंड यहाँ पर लग जाता है, लेकिन बाकी का 5 पॉइंट जो होते हैं मेन होते हैं, इन पर वैल्यू आता है। देखिए इस पर आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, और यहाँ पे इस पे भी आ रहा है। मतलब ये 5ों पॉइंट 4ों पॉइंट ठीक है, एक पॉइंट ये मिस है। तो इसका कहाँ से जैम्पर करना है, लास्ट में स्क्रीनशॉट भी आपको दे दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा कि आपको अगर प्रॉब्लम आता है तो कहाँ से कहाँ आप जैम्पर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ नीचे में मैंने जैम्पर किया है, और ये फर्स्ट पॉइंट का आपको पहले दिखा देता हूँ ध्यान से। यहाँ पे आप देखने की कोशिश करिए, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का छोटा सा कंपोनेंट दिखेगा, और उसके बाजू में एक और वाइट कलर का। तो दोनों में किसी पे भी आप अगर दे देते हैं जैम्पर, ये व्हाइट वाले के ऊपर में या फिर ब्लैक वाले के ऊपर में, दोनों में किसी में भी, तो आपका काम हो जाएगा। और यहाँ से जंपर दे के आपको यहाँ कर देना है, और फिर यहाँ चेक करना है यहाँ वैल्यू आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ से यहाँ का बीच का भी कनेक्शन कट जाता है तो नहीं आता है। तो अगर यहाँ भी वैल्यू आ रहा है तो ठीक है, अगर यहाँ नहीं आ रहा है यहाँ देने के बाद, तो यहाँ से यहाँ भी एक दीजिए। तो मेरा दोनों कटा हुआ था, ये देखिए मैंने एक यहाँ भी जंपर दिया, एक यहाँ भी दिया, और अभी जंपर दे के आपको दिखाता हूँ कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। और बाकी लास्ट में डायग्राम मिल जाएगा आपको कि अब हो सकता है कि हमारे में ये प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपका कोई और बटन हो, जैसे मान लीजिए कि आपका ये पॉइंट या फिर ये दोनों में से कोई सा भी पॉइंट आपको मिसिंग हुआ हो, तो ऐसे में अब आप क्या करोगे, तो ऐसे में आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं आपको लास्ट में आपको इसका डायग्राम दे दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि अगर बाकी का पॉइंट होता है उसका कहाँ कहाँ सर्किट जो होता है वो जाता है। तो आपको कभी भी यहाँ पे जब ये लगा रहे हैं, तो अगर इसमें जंपर लगा रहे हैं ना यहाँ से नीचे तक, तो यहाँ पे यूवी ग्लू थोड़ा डाल दीजिए, ताकि कस्टमर बार बार सिम निकालना होगा ना करे, तो इसमें डैमेजिंग ना आए। तो सबसे पहले हम वैल्यू चेक करेंगे। अभी हमने जंपर लगा लिया, और यहाँ पे एक ग्राउंड पे रख के, और यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू आने लगा, और यहाँ पे भी देखिए वैल्यू आ रहा है, यानी कि हमारा प्रॉब्लम सही है। तो चलिए अब हम फटाफट से एक काम करते हैं, यहाँ पे यूवी ग्लू लगा देते हैं और सिम लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यूवी ग्लू लगाऊंगा, क्योंकि यूवी ग्लू लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो सिम है वो सर्चिंग कर लिया है, यानी कि इसमें जो नेटवर्क का प्रॉब्लम था, वो सिम का प्रॉब्लम था, वो ख़त्म हो चुका है। हालांकि इसका बॉडी वगैरह हमने नहीं लगाया, इसलिए इसमें सिम थोड़ा सा मतलब टाइम लग रहा है इसको सर्चिंग करने में, और थोड़ी देर में ये नेटवर्क हल्का पकड़ेगा, और जब पूरा बॉडी फिट कर लेंगे तो पूरा प्रॉपर नेटवर्क पकड़ लेगा। लेकिन जो यहाँ पे सिम नो सिम का जो प्रॉब्लम आ रहा था, अभी देखिए ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे अभी सर्चिंग कर रहा है। चलिए थोड़ी देर वेट करके देख लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम हो इसमें।
जियो 4G आ गया और नेटवर्क थोड़ा सा पकड़ लिया, यानी कि हमारा प्रॉब्लम सही है, नेटवर्क का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बॉडी में हम फिट करेंगे तो हमारा पूरा नेटवर्क आ जाएगा। तो बस यही इस वीडियो में इतना ही। अभी आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, अभी देख लीजिए आप इसमें कैसे हमको अगर बाकी का पिन होता है उसको कैसे जंपर करना है, तो उसको देख के आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड।